हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 15 लाख के लोहे के सामान चोरी का पर्दाफाश। फैक्ट्री मालिक समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। DFCC का कार्य कर रही LNT कंपनी के लोहे का सामान चोरी। आरोपियों ने करीब 15 लाख रुपए के लोहे का सामान किया था चोरी। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। शहर पुलिस ने DFCC का कार्य कर रही LNT कंपनी के लोहे की चोरी करने का पर्दाफाश किया। 15 लाख के लोहे के सामान की चोरी के मामले में फैक्ट्री मालिक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गणेश कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा ने रिपोर्ट देकर बताया था कि वो LNT का कार्य करता है। डीजल शेड रोड के पास उसका लोहे का सामान पड़ा हुआ था। लॉकडाउन के चलते श्रमिक नहीं आने से कार्य बंद था। आरोपी कुई निवासी हितेश सिंह चेक पोस्ट से 2 पिकअप, 2 ट्रैक्टर व 1 हाइड्रा लेकर पहुंचा। चोरी किया गया सारा लोहे का सामान उसके कुई स्थित घर के बाहर खाली करवा दिया। साथ ही गांधीनगर निवासी कुलदीप शर्मा व छोटी मस्जिद के पास के निवासी जिसान ने कटर से लोहे के सामान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद वो पालनपुर स्थित एक भंगारी की सारा नामक फर्म के नाम से चोरी किया लोहा लेकर सिरोही पहुंचे। सिरोही स्थित फैक्ट्री में अधिकांश लोहे को पिघला दिया गया, लेकिन गलाने के लिए रखा गया कुछ लोहा बरामद किया गया। पुलिस ने 15 लाख के लोहे की सामान की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार कुई निवासी हितेश सिंह पुत्र तूफान सिंह, गांधीनगर निवासी कुलदीप पुत्र शिव शंकर शर्मा, सांतपुर निवासी राहुल प्रजापत, छोटी मस्जिद के पास के निवासी जिसान पुत्र रुस्तम कबाड़ी व सिरोही स्थित लोहे की फैक्ट्री संचालक विनोद सिंह पुत्र हरिराम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से हितेश कुलदीप, फैक्ट्री संचालक विनोद सिंह पवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि छोटी मस्जिद के समीप के रहवासी जिसान को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए गए। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।